प्रश्न है, जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और ईश्वर, इनकी परिभाषा क्या है? ईश्वर है मायापति, ब्रह्म है माया से पार यानी परब्रह्म। ईश्वर बिंब है तो ब्रह्म क्या है? पहली बात तो जब हम कहते हैं आत्मा, तो उसका अर्थ है सच्चित आनंद, जिसका स्वरूप है। और यही सच्चित आनंद स्वरूप जब अंतःकरण में, अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार में की जो क्रिया जिसमें होती है, उन क्रियाओं के भेद से हम उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कह रहे हैं। अदरवाइज है तो एक ही, चार नहीं है, हैं एक ही, लेकिन उनकी फंक्शनिंग चूंकि अलग अलग है, इसलिए जब संकल्प करे तो मन, जब निश्चय करे तो बुद्धि। आपकी सारी स्मृतियों का जो स्टोर है वो है चित्त, और मैं जान रहा हूँ या यह निश्चय जो हुआ, ये मैंने निश्चय किया, इसी को हम अहंकार कहते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, अब यह सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, पहली बात। तो जब आपका अंतःकरण ही स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, तो आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो गई। अब सूक्ष्म का प्रवेश हम कह सकते हैं सूक्ष्म में ही हो सकता है। तो अंतःकरण में जब आत्मा का ही प्रतिबिंब हुआ, तो इसी का नाम जीवात्मा हो गया। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम उसे जीव कह देते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म कह देते हैं, जीवात्मा बोल देते हैं। जिसको आप मैं कहते हो, प्रायः आम आदमी जिसको मैं कहता है, वो बहुत ही निचले दर्जे का मैं है। एक्चुअली वो सिर्फ शरीर को मैं मानता है, कभी कभी अपनी भावनाओं को मैं मानता है। तो मतलब मन को या शरीर को, इन दोनों में से किसी एक से जब जुड़ी है मैं अज्ञानी की, तो हम उसको जीव नहीं बोल रहे। पहली बात, सुख दुख का भोगता, मान अपमान का भोगता, पाप पुण्य का कर्ता, धर्म अधर्म का कर्ता, शुभ अशुभ का कर्ता मन है। पर मन अपने आप में जड़ है, तो मन काम करने के लिए जिस शक्ति या जिस ऊर्जा या जिस अस्तित्व की उसको जरूरत पड़ती है, उसी को हम सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा कहते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं शुद्ध आत्मा प्लस मन इज इक्वल टू जीवात्मा। पर लोग जिसको मैं करते रहते हैं, वो तो बेचारे अभी शरीर पे ही अटके हुए हैं। इसीलिए एक अज्ञानी को हम पशु तुल्य कहते हैं। जैसे पशु सिर्फ मैं शरीर को मानता है, ऐसे एक अज्ञानी भी शरीर को ही मैं मानता है। इसीलिए इस शरीर के भरण पोषण और सुख सुविधा संपत्ति आदि आदि भोगने में वो बस बिजी रहता है, और फिर बाल जवानी और वृद्धावस्था, फिर मृत हो गई दे। अब जब मृत, अब जरूरी नहीं ये भी याद रहे कि सब बूढ़े भी होंगे ना, तो बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, मध्यम आयु के भी मरते हैं, और कई तो ऐसे बूढ़े रहते बेचारे दिन रात रोते मौत आ जाए तो आ जाए, पर आती नहीं। ये भी एक बड़ा कर्म का भोग होता है। तो वो अपने सामने अपने से छोटों को आयु में मरते हुए देखता है, और छाती पे सांप लौटते हैं उसके, और वो रोता है और तड़पता है, पर प्राण नहीं निकलता उसका। खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो जीव, जीवात्मा और आत्मा, तो हम आत्मा का शुद्ध फॉर्म शुद्ध आत्मा हम उसको कह सकते हैं। पर जब यही प्रतिबिंबित हुआ अंतःकरण में, तो उसी का नाम जीवात्मा हो गया। और कभी कभी जो है सरल भाषा में सिर्फ जीव शब्द का भी उपयोग जहाँ किया जाए, तो ऑब्वियसली जीव बिना आत्म तत्व के तो हो नहीं सकता, इसलिए तीनों पर्यायवाची। अब जैसे आत्मा का अंतःकरण में प्रतिबिंब हुआ, तो उसी का नाम जीव हुआ। लेकिन जब इसी आत्मा का प्रतिबिंब माया में हुआ, तो उसी का नाम ईश्वर हो गया। तो भक्ति मार्ग में हम उसको कहते हैं कि भगवान मायापति हैं, भगवान मायापति हैं। तो माया में क्या है? बनना,
टिकना और मिटना, तीन चीज़ें हो रही। तो उन्हीं को अगर हम शक्ति रूप से कहें तो वही ब्रह्मा विष्णु और महेश हो जाते। तो ईश्वर और जीव में फर्क बड़ा क्या हुआ, फर्क हो गया मन और माया का। जीव को बना बनाया शरीर मिला है, उसने थोड़ी बनाया, तो किसने बनाया, ईश्वर ने। अब थोड़ा ये ऐसे आप समझिए कि जीव और ईश्वर का भेद अगर हम कहें तो वो मन और माया का है। अब आप कहेंगे कि अगर यह हुआ ईश्वर, तो फिर ईश्वर में प्रतिबिंब किसका है। अब आत्मा और ब्रह्म जब हम बोलते हैं तो एक्चुअली ये पर्यायवाची शब्द है, ये दो भिन्न भिन्न अस्तित्वों का नाम नहीं है। चारों वेद का ये महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, या अहम माने शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तुम तत्व स्वरूप हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम माने मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म में और आत्मा में कोई भेद तो है नहीं, परंतु समझने के लिए हमें एक ए पॉइंट देना पड़ेगा और एक बी पॉइंट देना पड़ेगा। ले एंड ए बिकम्स आत्मा एंड बी बिकम्स ब्रह्म, राइट। अब एक्चुअली ए इज बी एंड बी इज ए, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है। तो जीव को हम जब समझते हैं तो जीव होते ही उसको, आपका इधर आगे प्रश्न भी आया है कि व्यष्टि क्या हुआ, तो व्यष्टि मतलब वन यूनिट, वन स्मॉल यूनिट। व्यष्टि मीन्स स्मॉल, व्यष्टि मीन्स लिमिटेड, व्यष्टि मीन्स दैट विच कम्स विद लिमिटेशंस, व्यष्टि मीन्स दैट विच कम्स विद सम पेरिफेरीज, राइट। जिसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें कुछ पेरिफेरीज हैं, उसको हम कहते हैं जीव। और जिसमें कोई पेरिफेरी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और जो अनंत है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर और ब्रह्म, ऐसे ही जीव और आत्मा, ये हुआ। अब आत्मा ब्रह्म कैसे है, ये विषय तो उपनिषद का हो जाएगा, वेदांत का हो जाएगा। तो बिना वेदांत का निश्चय किए ये बात समझ नहीं लगेगी, ये स्पष्ट नहीं होगी। तो ये हुआ आपका पहला। अच्छा, जब हम वेदांत में क्या है, कुछ प्रक्रियाएं यूज होती, प्रक्रिया मतलब टेक्निक्स, टेक्निक्स यूज होती हैं किसी बात को समझाने के लिए। कौन सी टेक्निक के साथ हम समझाएं, तो कभी हम बिंब प्रतिबिंब की बात करते हैं, कभी हम आकाश की बात करते हैं, कभी हम चंद्रमा के जल में प्रतिबिंब की बात करते हैं, कभी हम घड़ा पानी में इमर्स्ड है तो भीतर है और बाहर है, हम इसकी बात करते हैं। तो ये वेदांत की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य एक ही है, जहाँ आप अपने निज स्वरूप को समझ पाए, दैट इज द होल थिंग। सो टेक्निक्स आर यूज फॉर मेकिंग माइंड क्लियर, नथिंग मोर देन दैट। सो टेक्निक को सहारा लेकर के हमने एक बात को क्लियर करना है। अब वो टेक्निक का बैठ के पोस्टमार्टम आप करने लग जाएंगे तो ये तो ये वो हो गया कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को पूछे तुमने कहाँ की थी MBBS, अच्छा बताओ तुम्हारे लेक्चरर कौन कौन थे, अच्छा बताओ वो कमरे कहाँ कहाँ पर थे, अच्छा बताओ तुम्हारी क्लास में स्टूडेंट कितने थे, अच्छा अब सबके नाम बताओ, वो कहे मुझे याद नहीं, बोले कैसे डॉक्टर हो तुम्हें नाम ही याद नहीं, तो इट्स इररेलेवेंट। उसके पास MBBS डिग्री है, दैट इज़ रेलेवेंट। आप मरीज हैं, वो डॉक्टर है, दैट इज़ रेलेवेंट। सो कई दफ़े क्या है, ओवर एनालिसिस करने की कईयों की आदत होती है ना, तो वो फिर हर चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। तो वो तर्कशास्त्र का विद्यार्थी है, फिर वो वेदांत का जिज्ञासु नहीं रह जाता। कारण शरीर की परिभाषा, तन्मात्रा महत आदि पंचभूत सूक्ष्म रूप में थे, सृष्टि क्या है, अहंकार क्या है और व्यष्टि क्या है। व्यष्टि क्या है हमने उत्तर दिया, कारण हम ऐसे समझिए, कारण शब्द से ही स्पष्ट होता है, जिससे सब हुआ उसे हम कारण शरीर कहते हैं।
तो आपके मन या माया अगर हम कहें तो ये किस किस में से निकले, ये किस समुद्र की लहरें हैं, तो उस लहर को जिससे वो निकली है, तो किससे निकली है, हम कहेंगे सागर से निकली है। ऐसे ही ये मन बुद्धि माया किस में से निकले हैं, उसी को हम कहते हैं वह अविद्या, अथवा कहीं हम कहेंगे कारण शरीर से, कारण शरीर से निकली है। सो कारण का अर्थ द कॉजल, जिससे हुआ, जैसे मिट्टी से घड़ा हुआ, मिट्टी मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं हो सकता है, तो मिट्टी से घड़ा हुआ, ऐसे हम कहेंगे मन कहाँ से हुआ, तो हम कहेंगे मन कारण से निकला। कारण व्यष्टि से कहेंगे तो कारण है, और इसी को अगर हम समष्टि में कर दें तो उसी को हम सूत्रात्मा कहते हैं, जो सब 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 कुछ कहाँ से हुआ, बोला अविद्या से है, कभी कहते हम माया से है, तो पर्यायवाची हैं, बट कहीं कहीं उसकी फंक्शनिंग से उसका नाम थोड़ा अलग हो जाता है, कहीं कहीं उसकी फंक्शनैलिटी से फर्क पड़ जाता है। इसलिए संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द बिना अपने विशेष अर्थ को लिए बगैर नहीं होता, इसलिए वो एक हैं भी पर फिर भी वो एक नहीं होते। जैसे हम कहें पानी, भाप और बर्फ हैं तो एक ही, पर फिर भी कितना फर्क हो जाता है। पानी किसी पे मारो कुछ भी ना होगा, होली है हो जाएगा, और आप बर्फ़ किसी पे मारो तो बंदे की फूट सकती खोपड़ी, क्योंकि बर्फ़ जो है एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर है, और भाप तो जला सकता है, है पानी ही बट फिर भी कितना फर्क। ऐसे कारण शरीर भी किससे हुआ, अगर हम यूं कहें तो हम कह देंगे माया से, जो व्यष्टि नहीं समष्टि जो माया है उसी से ये सब कुछ हो रहा है, तो उसी माया से कारण हुआ, और वही कारण से आगे जो है बन गया, जो विस्तार आता है तन्मात्रा महत, महत माने द बिग माइंड, माया का ही एक अलग नाम, महत माने वैसे होता है बड़ा, भीक, आपका जो मन है वो छोटा सा है, छोटू सा मन है, पर कहो ईश्वर का मन तो कहना पड़ेगा महत। जैसे रात स्वप्न की सृष्टि आपके मन से निकलती है और सच्ची लगती है, तो ये सारा जगत ईश्वर के माया रूपी मन से निकली हुई सृष्टि, इसलिए उसे हम महत कहते हैं, वेरी बिग। तन्मात्राएं सूक्ष्म रूप है, तन्मात्राएं वो सूक्ष्म हैं जिससे फिर आगे सृष्टि के क्रम अनुसार हमारी इंद्रियों का सृजन होता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्राएं हैं, और फिर आगे इसके बाद जो है इनके स्थूल रूप बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आकाश दिशा और करण इससे शब्द होता है। आमतौर पर हम ये समझते हैं पहले आकाश हुआ फिर कान बना फिर दिशा में वो शब्द बहा होगा, नहीं नहीं उल्टा है, पहले तन्मात्राएं हुई तो पहले शब्द फिर आकाश, और फिर जो शरीर है आपका ये तो बिल्कुल ही पंचभौतिक ग्रॉस फॉर्म ऑफ वर्ल्ड। तो अहंकार क्या है, आई नो दिस, ये सफ़ेद है, ये लाल है, ये पीला है, ये पहाड़ है, ये मनुष्य है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, जो जानने का अभिमान लेता है। जैसे अभिमान शब्द को हम समझे तो मान मतलब होता है मेजरमेंट, तो अभिमान मतलब जब किसी एक मेजरमेंट के साथ आपने अपने आप को जोड़ दिया, आपने शरीर के साथ जोड़ा तो अभिमान होगा, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गंजा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो आदमी हूँ, मैं तो औरत हूँ, इसी मान को आपने बुद्धि से जोड़ दिया तो मैं अकलमंद हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे समझ नहीं है, मेरे बड़ी समझ, इसी को मन से जोड़ दिया तो मैं पापी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा बुरा हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं बड़ा लोभी हूँ। तो किसी मान किसी एक सीमा में जब आप अपने मैं को जोड़ देते हो उसी को हम अभिमान कह देते, और अहंकार
अहम की ललकार को हम कहते हैं अहंकार। अहंकार अहम के एक्सप्रेशन एक्सपेंशन को हम कहते हैं, जहाँ छाती पीट करके जरूरत नहीं होती बोलने की, पर आंखों से, बोली से, चाल से, बॉडी लैंग्वेज से उसने बता दिया हम भी कुछ हैं, एक्सपेंशन हो गया, अपने मैंपन का एक्सपेंशन। अब चूंकि आप अपने असल मैं को तो जानते नहीं हो, तो आदमी किसकी एक्सपेंशन कर देता है, मेरे पास धन बहुत ज़्यादा है, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा डिज़ाइनर होम है, मेरे कपड़े बड़े अच्छे हैं, इटली से आए, मेरा ज्वेलरी बड़ी अच्छी है, टॉप मोस्ट ज्वेलर ने बनाया, तब किन चीज़ों के साथ मैं जोड़ रहा है? और उसकी फिर एक्सपेंशन करता है। और ललकार मतलब दूसरों को सुनाता भी, नहीं तो आप बताओ ही नहीं कि आपकी घड़ी 15 लाख की है तो पहनने का क्या मजा, इसलिए पहन लेगा कोई तो वो दिखाएगा 4 लोगों को, ये देखो कितनी बढ़िया, ये देखो कितनी बढ़िया। मुश्किल तब होती है जब सामने वाले ने उसका भी डैडी पहना होता है। ऐसी भी घड़ी हैं जो 2 लाख 4 लाख 6 लाख की 10 लाख की आती, तो वहाँ फिर क्या है, उसकी ललकार छोटी पड़ जाती है, तो फिर मुंह भी छोटा सा हो जाता है, फिर कहते जी मेरा मन बड़ा खराब हो गया। क्यों? आपकी ललकार नहीं चल पाई। तो अहंकार और अभिमान शब्द में ये भी भेद आ जाता है। अच्छा, अब है कि जब तक गुरु शिष्य को स्वीकार न करे, क्या शिष्य गुरु को धारण कर सकता है? अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने शिष्य घोषित कर दिया, पर कृष्ण ने कहीं अपने आप को गुरु स्वीकार नहीं किया, यद्यपि काम शंका निवारण का गुरु वाला किया। देखिए, आमतौर पे ना लोग बोलते हैं कि हम ना गुरु बनाना चाहते हैं। रॉन्ग। तुम क्या गुरु बनाओगे? गुरु जी तो अपनी साधना से खुद गुरु हो चुके, आप क्या गुरु बनाओगे? हम गुरु बनाएंगे? गलत। नियम वैसे भी यही है कि व्यक्ति कहे मैं शिष्य होना चाहता हूँ। तो अर्जुन बहुत समझदार आदमी है, बड़ा विवेकी आदमी है, इसलिए वो कृष्ण को यही कहता है, शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हुआ, सरेंडर करता हूँ, मैं अपने आप को आपके सन्मुख लाता हूँ, मुझे अकल नहीं है, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। और एक व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना आना कि मैं शिष्य हूँ, और शिष्य के अनुसार जो एक समर्पण होना चाहिए वो करे, तो इसमें गुरुजी को ये बोलने की ज़रूरत थोड़ी ना कि हाँ हाँ बेटा अब हम तुम्हारे गुरु हो गए। मे भी ऐसी स्टेटमेंट वो बोलेंगे जो गुरु होना चाहते हैं। कृष्ण गुरु होना नहीं चाहते। कृष्ण के सामने जब अर्जुन अपने आप को समर्पित करता है और हताशा कहता है अपनी, पीड़ा कहता है अपनी, और फिर देखिए उसको भी समझ आ गई कि अभी तो ये मेरे को, या तो इन्हें अंग्रेजी में एक शब्द होता है, श्री कृष्ण वॉज चिडिंग हिम, हिंदी में कहूँ तो हो जाएगा चिड़ा रहे थे, यहाँ तलक कि उसे नपुंसक तक बोल दिया, यहाँ तलक कि उसको कह दिया कि तू विद्वानों की बातें तो करता है पर तू विद्वान ही नहीं है, कभी उसको कह दिया कि तू अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे हट रहा, लेकिन ये उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हें गुरु बनाना चाहिए, हाँ उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जब तक तुम मेरा चेला नहीं बनेगा ना तब तक सत्य नहीं मैं बताऊँगा तुमको। लेकिन अर्जुन विवेकी है, बहुत समझदार है, तो वो जैसा होना चाहिए उसी प्रकार से वो अपने आप को समर्पित कर देता है और कहता है कि मैं शिष्य आपका हुआ और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, अब आप जो मुझे मार्ग दिखाएंगे मैं उस मार्ग के अनुसार ही चलने के लिए उत्सुक हूँ। दैट्स इट, वर्क इज डन। प्रॉब्लम ये है कुछ एक संप्रदायों में, कुछ एक पंथों में हजारों लोगों को एक साथ बैठा करके गुरुजी मंत्र माइक पे बोल देते हैं, गुरु को यही नहीं पता चेला कौन है, चेले ने पास से गुरु का चेहरा तक नहीं देखा तो वो दूरबीन से देख रहे होते, ऐसे ऐसे पंथ हैं, क्योंकि वो
झूठे आश्वासन दे देते हैं ना कि गुरु जी पार लगा देंगे, बस गुरु का चेला ही तो होना, आगे काम तो गुरु जी का है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं है, तुम रहो गधे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब तलक शिष्य और गुरु, जिसको हम गुरु, हम किसको कहते हैं, मैं थोड़ा इसे वैदिक ज्ञान के अनुसार जो आत्मा को ब्रह्म जानता है और जो संसार को मिथ्या जानता है वही गुरु है। जो ये कहे कि भगवान वहाँ रहते हैं और हमारे पास ही पासपोर्ट है देने का, लाइसेंस है, हम ही तुम्हें वहाँ पहुँचा सकते हैं, तो ये उपनिषदिक ज्ञान के बिल्कुल विरुद्ध है। परमात्मा को एक देशी बना दिया, किसी ने कह दिया कि वो तीसरे तिल में रहता है, किसी ने कह दिया वो सचखंड में रहता है, किसी ने कह दिया, अलग अलग नाम दे दिए अपनी अपनी कल्पनाओं से। वैदिक सत्य ये नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को वेदों का अध्ययन जरूर करना चाहिए, उपनिषद गीता पढ़नी चाहिए। समझ आती है उससे कि जब हम कहते हैं कि गुरु, तो गुरु का अर्थ क्या है। बहुत सरल करके मैं कह रही हूँ, मैं ये निचोड़ दे रहे हैं, इसेंस ऑफ वेद दे रही हूँ मैं। इसेंस क्या है? जो यह जानता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है, और जो यह जानता है कि संसार मिथ्या है, वही गुरु है। अब उस गुरु की दृष्टि से देखें तो आया हुआ जो शिष्य है वह भी ब्रह्म स्वरूप ही है। वो उसको कोई गिरा हुआ नाली का कीड़ा या पापी नहीं जान रहा, जिसका उद्धार गुरु जी ने करना है। वो कहते हैं कि एक ही, एक भी कहना पड़ता है, अथवा तो हम यही कह सकते हैं कि सत्ता उसी अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म की है, दूसरी तो सत्ता है ही नहीं किसी की। तो गुरु का ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म हो गया। अब ऐसा निश्चय जिसका है वेद के अनुसार वही गुरु। जो ये कहे कि हम तो कोई खास अवतारी पुरुष जन्मे हैं, आकाश से सीधे लटक गए थे नीचे, इसलिए हम तो हैं विशेष और तुम हो बिल्कुल पापी, तो अब आओ मेरी शरण में, तो हम तुम्हें मंत्र देंगे, तब हम तुम्हें स्वर्ग में या अपने गुरुजी के धाम हम पहुंचा देंगे। तो ये बिल्कुल जो है अवैदिक भाषा है, ये वैदिक कहीं से भी नहीं। सो समर्पण खोज शिष्य की तरफ से है, गुरु की तरफ से नहीं है। हमारे बहुत सारे पूज्य जो ज्ञान वृद्ध महात्मा हैं, वो हमेशा ये कहते थे कि गली गली माइक लगा करके ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता। वो तो यहाँ तक कहते थे भीड़ों को इकट्ठी करके भीड़ को ज्ञान नहीं सुनाया जा, भीड़ के आते ही आपके बोलने का स्तर नीचे चला जाता है, क्योंकि भीड़ को ज्ञान समझ आना नहीं, ब्रह्मसूत्र के वचनों को कहाँ से समझेगी भीड़, उसे तो बस घंटी बजाना आता है, बहुत हुआ तो मंदिर में जाके प्रणाम कराएगा, बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत कोई नित्य कर्म कर ले तो कर ले, या नहीं तो कभी श्रादी कर ले तो कर ले, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं। सो जब हम गुरु कहते हैं तो याद रहे गुरु को शिष्य की जरूरत नहीं है, शिष्य को गुरु की जरूरत है। और गुरु की दृष्टि से एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। आत्मा दो चार छः तो होती नहीं है, आत्मा ब्रह्म ही है, और वो अद्वैत सिद्धांत का निश्चय है जिसका, तो उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का कहना आवश्यक ही नहीं, बल्कि कहते तो थोड़ी संशय हो जाती कि ये क्यों बोल रहे हैं, आई एम सो हैप्पी तूने आज मेरे को गुरु बना दिया, ऐसा की जरूरत नहीं है। युद्ध के मैदान में जहाँ लाखों लोग मारा काटा जाएगा, वहाँ कृष्ण प्रसन्न होकर के कहते हैं, दसवां श्लोक, तमा उवाच ऋषिकेश। देखिए ऐसे समझो, मरना बहुत बड़ी बात मानते हैं, कटना बहुत बड़ी बात मानते हैं, ज्ञानी की दृष्टि से देखिए तो ये सब स्वप्न सृष्टि है। स्वप्न में आप राजा हो गए, स्वप्न में आप चोर हो गए, स्वप्न में आप जेल अधिकारी हो गए, स्वप्न में आप साधु हो गए, स्वप्न में आप बड़े दानी सेठ हो गए, पर सुबह उठने पर क्या? तो ज्ञानी की दृष्टि से
ये सारा जगत एक उसका क्षेत्र है। तेरहवें अध्याय के प्रथम श्लोकों में आया ना, क्षेत्र चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। ये सारा संसार एक क्षेत्र है। आप मुझे बताइए, इस सीजन में लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों मच्छर मारे जाते हैं, आप बैठ के रोते हैं उनके लिए? आप कहोगे हमारा उनसे भावनात्मक रिश्ता नहीं है, तो ये भी आपकी भूल ही है ना कि आपने मनुष्य से भावनात्मक रिश्ते रखे। ज्ञानी की दृष्टि से जीना मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सारी सृष्टि ही जब स्वप्न है तो इसमें डजन मैटर्स। और जैसे लेट मी गिव अनदर एग्जाम्पल, आपके शरीर में एक बैड बैक्टीरिया आ गया, आप एंटीबायोटिक खाते हैं, तो आप कितने जालिम हैं ना, मार काट दिया उन बेचारे जीवों को, पर आप तो खुश होते हो कि मैंने दवाई खा ली, अब 5 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। 500 mg सुबह, 500 शाम को, कई दफे डॉक्टर इतना बड़ा डोजेज दे देते हैं, राइट? तो ये कोई अच्छी बात है? कितने हिंसक लोग हो आप। बट उस बुरे बैक्टीरिया का मरना आवश्यक है ताकि आपके शरीर में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो काम कर सके। आज शरीर रहेगा तो ज्ञान ध्यान लेना देना संसार का क्रम, व्यवसाय परिवार, ये सब कुछ तो तभी चलेगा ना। तो एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे बुरा बैक्टीरिया या बुरे वायरस को मारना आवश्यक होता है, ऐसे ही इस सृष्टि के, समाज के क्रम को चलाने के लिए बुरे मनुष्यों को, जिन्हें कृष्ण ने बड़ी कोशिश करी कि समझ जाए, सुधर जाए, और कृष्ण कभी युद्ध नहीं चाहते थे, ही वॉज द लास्ट पर्सन टू यू नो आस्क फॉर अ वॉर, एंड क्योंकि हमारे सामने तो बंसी बजैया है, वो तो नाचना पसंद करता है, तो आनंद का स्वरूप है, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, वो तो नृत्य गीत गान, पर जालिम लोगों के बीच में क्या नृत्य गीत गान हो सकता है? क्या धर्म कर्म हो सकता है? क्या ऋषि मुनि अपनी साधना कर सकते हैं? क्या विवेकी विद्वान लोग अपने शोध कार्यों को कर सकते हैं? इसलिए उनका जाना आवश्यक होता है। इसीलिए आप देखिए, आज अष्टमी का दिन है, दुर्गा का जो स्वरूप होता है, जो हम चिन्ह देते हैं दुर्गा को, तो उसमें क्या है, तलवार है, भाला है, धनुष है, पिनाक धारिणी है, खड्ग धारिणी है, चक्र धारिणी है, क्यों, वो शंख धारिणी भी है, माला धारिणी भी है, अभेदान मुद्रा वाली है, होठों पे मुस्कान वाली है, परंतु शंख के साथ साथ भाला भी है, माला के साथ साथ तलवार भी है, क्यों? दुर्गा समन्वय है, धर्म और अधर्म, धर्म को बढ़ाने के लिए शंख माला आदि आदि चिन्ह हो जाते हैं, परंतु दैत्यों राक्षसों को, शुंड विशुंड विदारणी मारने वाली है, क्यों? क्योंकि उनका मारना आवश्यक होता है। सो वही क्रम है, वही क्रम चलता है, तो वो क्रम चलना भी चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण हमारे गोविंद चक्र धारण करते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ती है तो उसी का इस्तेमाल भी करते हैं, राइट? और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनका भी नाम गोविंद, तो वो भी गोविंद कैसे हैं, वो तलवारधारी हैं और धनुर्धारी हैं, वो दोनों रखते हैं, दूर वाले को तीर से, नज़दीक वाले को तलवार से, काम तो करना पड़ेगा ना। अब आप कहो कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये तो गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं, कृष्ण तो भगवान स्वरूप हैं, तो ये मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हैं? बस ठीक वैसे ही जैसे शरीर में गंदे बैक्टीरिया को मारने के लिए आवश्यकता होती है, ऐसे ही समाज में कुछ मनुष्य अपनी तामसिक वृत्तियों के, अच्छा वो खूब जानते हैं, मूल में तो ब्रह्म स्वरूप ही है ना, गड़बड़ कहाँ है, मन में है, और जब मन सुधारे ना सुधरे तो उसे मलेच्छ कहते हैं, जिससे मल इच्छाएं होती हैं वो मलेच्छ होता है, याद रहे, जिसे मैली गंदी अशुद्ध इच्छाएं होती हैं उसी को मलेच्छ हम कहते हैं। तो मलेच्छों को हटाना आवश्यक होता है, या कहो मलेच्छों को मैनेज करके रखना भी आवश्यक होता है, और कहीं कहीं फिर उनको
निवारण करना भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए युद्ध के मैदान में खड़े कृष्ण को ये प्रसन्नता पूर्वक कहने में कोई कष्ट ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो तीव्र इच्छा आज पूरी हो रही है, समाज की गंदगी निकलने वाली है। अब अर्जुन तो भिक्षु होना चाह रहा है, सन्यासी होना चाह रहा है, और भगवान कहते हैं चुप, ये तेरा काम नहीं है, भजन बंदगी करने की तेरी बुद्धि भी नहीं है, तेरे वेग नहीं है, वो तेरे वेग हैं बाहुबल के, तेरे वेग हैं दूसरों को रक्षा सुरक्षा देने के। तो अगर क्षत्रिय हाथ में माला पकड़ के जंगल में बैठ जाएंगे तो समाज की रक्षा कौन करेगा? तो रक्षक को त्यागी होने की आज्ञा नहीं है, और फिर वो प्रवृत्ति भी तो नहीं है ना अर्जुन की। पर ये याद रहे, अर्जुन अपने वनवास काल उसने जो काटे हैं, एक तो साथ में काटे हैं, फिर एक समय पर इसको अकेले वनवास दिया गया था, उसमें दंड था ना, जो जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ रहेगी तो चारों पांडव वहाँ जा ही नहीं सकते, और इसको जाना पड़ गया था मजबूरी में, और फिर एक साल का वनवास हो गया था। अब वो एक साल का वनवास उनने कहाँ काटा? वो उन्होंने जा कर के साधना में काटा, शस्त्र विद्या सीखी उन्होंने, और साथ ही साथ अपनी साधना भी की। साधना करने के लिए क्षत्रिय धर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पहली बात ये, वो आवश्यक है। व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी ना कि दिव्य श्रवण शक्ति, वे देख तो पा रहा होगा पर सुन कैसे पाया? नहीं जी, दोनों ही चीजें दी है, दृष्टि भी दी है और श्रवण शक्ति भी दी है, नहीं तो इतना वार्तालाप। भगवान उवाच, भगवान अब ये बोले हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन अब ये बोला है, तो श्रवण के बगैर थोड़ी वो लिप रीडिंग थोड़ी कर रहे थे वो। अच्छा, आप कहते हो अगर ये सब मन के स्थल पर बोला और सुना तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर योगी पितामह को नहीं सुनाई दिया होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बात तो ये कि युधिष्ठिर और जो ये पितामह जी हैं, ये मैं कह रही हूँ, अभी तो इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र था, ऐसे तो दूर दूर सब बैठे, पहली बात। अब रथ के बिल्कुल समीप में सारा वार्तालाप हुआ है कृष्ण और, अब वो लाउड स्पीकर थोड़ी लगे हैं कि वो जोर जोर चिल्लाएंगे तो सुनेंगे, और रथ बड़े बड़े हैं, कुछ छोटे छोटे तो है नहीं, और कृष्ण चिल्ला नहीं रहे हैं, कोई लाउड स्पीकर थोड़ी लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं कह रही हूँ ये कि मे बी वो अगर विद इन रेंज में भी होते तो भी प्रश्न उठता है क्या उन्होंने नहीं सुना? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती ना, सच ये है, उनको ये शब्द सुनते भी नहीं, और सुन भी जाएं तो समझ भी नहीं आने वाले। ये तो हम रोज भुगतते हैं ना, हमें सुनने वाले हमारे सन्मुख बैठे होते फिर भी सुन के सुन नहीं रहे होते, क्योंकि वो अपने मन के जालों में उलझे पड़े हैं ना। जैसे छलनी में से दूध निकालो तो छलनी में तो दूध टिकने नहीं वाला, वो तो बह जाएगा। ऐसे ही जिसके मन में श्रमदम आदि ये षट संपत्ति नहीं है और मोक्ष की चाह नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप मेरे सामने बैठा दो कि अगले 10 साल तुमने साथ ही रहना और सुनना है, दूर क्या जाना। एक समय पर हमारा कैमरामैन एक बाहर से बंदा आता था, वो रिकॉर्ड करता था, कई साल उसने रिकॉर्डिंग करी, तो क्या वो ज्ञानी हो गया? नहीं, असिस्टेंट होते थे बहुत सारे, लाइट मैन है, ये है वो है, 4-5-6 लोग हैं। एक समय पे हमारा जो पीए सिस्टम होता था, उस मिक्सर को हैंडल करने के लिए एक टेक्निकल बंदे को बुलाया जाता था, और वो सारा सुन रहे हैं। क्या वो ज्ञानी हो गए? नहीं। क्या उनके जीवन में कुछ फर्क आया? नहीं। क्या वो बहरे थे? नहीं। पर फिर भी उनके किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि उनके मन में तो काम क्रोध और अज्ञान की छेद हैं। तो ये छलनी वाले मन से जो भी सुन ले, सामने बैठ के सुन ले, 10-20 साल सुन ले, तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो सारा वार्तालाप मात्र 45 से 50 मिनट, मान लो बहुत खींच लूँ तो मैं कहूँगी 1 घंटे में वार्तालाप फिनिश भी हो गया था। सो डजंट मैटर्स एट ऑल।
कृष्ण अवतारी पुरुष हैं, उन्हें मालूम है कि धर्म की ही जय होगी और अधर्म की पराजय। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सेना अधर्म वाले दल को मरने के लिए क्यों दे दी? उनका क्या कसूर था? देखिए, शास्त्र के अनुसार अगर मैं चलूं तो उन्होंने बड़ा न्याय किया था। दुर्योधन और अर्जुन में कृष्ण ने कोई भेद नहीं किया था, दोनों सहायता मांगने आए थे और कृष्ण किसी को मना नहीं कर सकते, पहली बात। तो कृष्ण तो दाता हैं, दयालु हैं, और कोई उनके पास सहायता को आया है, क्यों नहीं देंगे वो सहायता? फिर उन्होंने ओपन दे दिया था कि भैया याचक दो, मैं एक। तो फिर उन्होंने अपने आप को और अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया कि भाई चुन लो। उसमें भी दुर्योधन ने कहा कि पहला हक मेरा, वो बोलते नहीं, मैं तो अर्जुन को देखा, पहला हक अर्जुन का। तो दुर्योधन को तो पक्का लगा था कि गया, ये तो सारी सेना बेस्ट थे उनके सोल्जर्स और उनका आर्सेनल एंड एमिनेशन एंड एवरीथिंग, यादव बहुत ज़बरदस्त योद्धा थे। लेकिन अर्जुन देखिए, अर्जुन की श्रद्धा देखिए, अर्जुन का ज्ञान देखिए, अर्जुन की बुद्धि देखिए कि वो सेना छोड़ करके निहत्थे श्री कृष्ण को अपनाते हैं। और दुर्योधन के मन में तो लड्डू फूट गए थे बहुत सारे। अच्छा, अब योद्धा का काम युद्ध करना, वो किस बैनर तले कर रहा है, सवाल इसका नहीं होता। अब यहाँ तो कृष्ण ने स्वयं दे दिया उनको कि अब तुम दुर्योधन के पक्ष से लड़ोगे, जाइए जाके लड़िए। तो योद्धा का काम तो युद्ध करना है और वो राजा की आज्ञा मान रहा है, तो वो उसके पक्ष में भी राजा की आज्ञा से, जैसे मांदरी के भाई को भी छल से दुर्योधन अपने पक्ष में ले गया था, चूंकि उसका अन्न खा लिया, उसके शिविर की सेवा ले ली, उसके बाद वो बंध गए और शकुनी ने बड़ा जाल फेंका था कि अब तो तुम हमारे ऋणी हो गए हो, तो हमारा ऋण उतारो और हमारे पक्ष से युद्ध करो। तो नकुल और सहदेव के जो मामा हैं वो भी दुर्योधन के पक्ष से लड़े, लेकिन वो पूरे समय बैठ करके इनको ऐसी क्या बोले ना लानते मारते थे, उनका मनोबल गिराते थे। और जब वक्त आया, जब उनके ऊपर वार किया गया, तो बड़ी खुशी से वो मरे थे, कहते हैं मैं मुक्त हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इनके पक्ष में जाकर के भी सहायता मैं अपने भांजों की ही कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है। तो जय पराजय जो है वो राजा से होती है। अब राजा खुद कह रहा है कि अब मेरी सेना, तुम जाओ जाके उनके साथ लड़ो, तो क्यों मरने के लिए छोड़ दिया? इसका एग्जैक्ट उत्तर तो ये है कि ये सवाल आपको श्री कृष्ण को पूछना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों भेज दिया वहाँ पर। परंतु ये यादवों का समर्पण है ना श्री कृष्ण के प्रति, उन्हें ये मालूम है कि हमारा अहित तो हो ही नहीं सकता, आपको व्यर्थ में मारे गए ना, जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध लड़ने गए उनका जीवन तो यूं ही सार्थक हो गया, क्योंकि कृष्ण ने चुना, क्योंकि कृष्ण के लिए गए हैं, तो उनका मरना व्यर्थ कैसे हो सकता है? उनका तो मरना व्यर्थ है ही नहीं, जैसे मद्र राज का मरना व्यर्थ नहीं है, भले वो कौरवों के पक्ष से लड़े हैं, लेकिन फिर भी उनका मरना क्यों? उनका लक्ष्य तो भी पांडवों की जय है, और श्री कृष्ण के आदेश से यादव सेना गई है लड़ने के लिए, और वो कृष्ण के प्यारे भक्त भी हैं, सेवक भी हैं, तो स्वामी की इच्छा की पूर्ति करना तो सेवक का काम है, तो वो तो अपना सेवा कार्य कर रहे हैं, चाहे जो बोल दे वो तो वही कर लेंगे। सो उसमें कोई संशय मत रखिए कि बेचारे ऐसे ही मर गए, हाय उनका क्या कसूर था। ये उनका बड़ा सौभाग्य था, कृष्ण जानते हैं कि उनकी सेना उनकी आज्ञा का विद्रोह नहीं करेगी, और नहीं किया उन्होंने। जीव के तीन नाम शिवोहम पुस्तक में आपने बताए, विश्व तेजस प्राज्ञ, इसकी व्याख्या क्या है? ऐसे तो हमने दी है वहाँ पर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जब स्थूल जगत का भोक्ता साक्षी होता है तो उसी का ही नाम विश्व हो जाता है, वही जब स्वप्न का भोक्ता होता है तो उसी का नाम तेजस हो जाता है, और वही जो सुषुप्ति को भोक्ता है तहीं आत्मा का ही नाम प्राज्ञ हो जाता है।
इतना है। गुरु गीता में तीन तापों की बात कही, आदि व्याधि उपाधि, इसको समझाए। आदि व्याधि और उपाधि जो है ये ऐसे समझें, रोग हुआ व्याधि, किस कारण से हुआ ये भी तो जानना पड़ेगा, और उसका निदान या उसका उपाय क्या होगा यह भी जानना पड़ेगा। तो शरीर को हम कहते हैं कि यह आदि व्याधि युक्त है, तो इस आदि व्याधि से भरे हुए शरीर को, माने वात पित्त कफ, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी भोजन से रोग, कभी कीटाणु से रोग, कभी जीवाणु से रोग, कभी प्राकृतिक रोग, कभी प्रारब्ध से रोग। अब शरीर की उपाधि मेरी है, मैंने ऐसा अज्ञानता से मान लिया, ये मैं हूँ, तो पीड़ा हुई, रोग हुआ शरीर को, पर साधक कहता है, मूर्खता से कहता है, अज्ञानता से कहता है, हाय मैं मर गया। तो देह इंद्रिय मन मेरी उपाधि हैं, मेरी एसेसरी हैं, मेरे लिए काम बनी है, पर ये मैं नहीं हूँ। पर इस देह इंद्रिय मन बुद्धि की उपाधि को जब अज्ञानतावश मैं मानने लग जाता हूँ, तो फिर इस शरीर को उत्पन्न हुई व्याधि, व्याधि मन रोग जब लगते हैं तो वो फिर पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो जो हमारा ये पंचभौतिक शरीर है या जो हमारा मन है, जो हमारा अंतःकरण है, ये हमेशा रोग युक्त रहता ही है, ये इसका स्वभाव है। इसीलिए आसन प्राणायाम करना, उचित आहार खाना, युक्त आहार खाना, मन से भी युक्तिपूर्वक विचार करना, ये सब इसीलिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके बगैर व्याधियों से नहीं छूट पाएंगे। तो देह मन बुद्धि उपाधि है, अज्ञानतावश जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो फिर ये व्याधि युक्त हो जाता है और पीड़ा देता है और बहुत दुख देता है। गुरु गीता में श्लोक 76, अंगुष्ट मात्रम पुरुषम ध्यायन्त्य चिन्नायम हृदि, और 77वें श्लोक में अणु से भी छोटा निराकार का आकार कैसे हो गया, बिंब का आकार नहीं तो प्रतिबिंब का आकार कहाँ से आ गया। अंगूठा 1/1 या 1.5 अणु का सौवां हिस्सा, बाल सौवें हिस्से बाल से भी छोटा, ऐसा जो कहा गया सो क्यों। देखिए ये जो अंगुष्ट मात्र बात आती है ना, दैट इज जस्ट टू यूज इट फॉर पर्पज ऑफ ध्यान। जैसे अग्नि सब जगह है, पर भोजन पकाना हो तो हमें किसी एक जगह में अग्नि को प्रकट करना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा तो सर्वव्यापक है, पर ध्यान करने के लिए साधक को अपने हृदय में बहुत सी अलग अलग केंद्र हो सकते हैं, बट एक हृदय सबसे हमारा इम्पोर्टेंट केंद्र है। तो हृदय पर भावना की जाती है, ऐसा ध्यान का एक सूत्र होता है। तो अंगुष्ट मात्र इसलिए कि बहुत छोटा, और ये जो कहा कि अणु से भी छोटा, बाल से भी छोटा, अणु का भी सौवां हिस्सा, इसके लिए उपनिषद में श्लोक आता है, अणु अणियान महतो महतियान, अणु से भी जो छोटा है, पर जो चीज बड़ी हो ना उस बड़ी से भी सबसे ज्यादा बड़ा। ये जो नाप दिए जाते हैं, इट इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, सिर्फ समझाने के लिए, अगेन इट्स अ टेक्निक टू शो यू। आप अणु को आँख से देख सकते हैं? नहीं। आप पूरे माउंट एवरेस्ट को एक बार में आँख से देख सकते हैं? नहीं। बहुत बड़ा नहीं देख सकती आँख, और बहुत बारीक हो अणु या परमाणु तो उसको भी नहीं देख सकते। इसी प्रकार से ब्रह्म को दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, कहना वो ये चाह रहे, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है जो, तो उसमें आकार की जो टेक्निक या कहें जो हम उदाहरण देते हैं, तो उसका दृष्टांत बस इतना ही है कि वो अति अति सूक्ष्म है, या हम ये भी कह सकते हैं वो सबसे बड़ा है। तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा हमारी इंद्रियों के पल्ले नहीं पड़ता। तो ये एक अगेन देयर इज अ वे टू एक्सप्लेन इट।
अध्याय दो श्लोक 21 में आपने कहा आत्मा नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है। फिर आपने कहा आत्मा एक है, इसका स्वरूप एक है, जीवात्मा भिन्न भिन्न है। अब देखिए ये फिर से वही बात हो रही है कि आप उस एग्जाम्पल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं करिए। अनेक हमको कहना पड़ रहा है जीवों के अंतःकरण की दृष्टि से, जितने अंतःकरण उतने प्रतिबिंब, तो जीवन एक हो गए। अब आत्मा को हम क्या कहें, हर शरीर में शरीर के अनुपात से आत्मा होती, तो हाथी में बड़ी है, चींटी में छोटी है, जैसा माप होगा वैसी आत्मा का माप हो जाएगा। अब ये वेदांत दर्शन इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। परंतु जीवन एक है ये तो वेदांत कह रहा है, जीवन एक है ये जैन धर्म भी कह रहा है, सांख्य भी कह रहा है, योग भी कह रहा है। लेकिन वेदांत की अद्भुतता क्या है, वेदांत की अद्भुतता ये है, वो ये कहता है कि बिंब तो एक ही है, वो मत अनेक मान के बैठ जाना। मुझे याद है हम लोग अमृतसर में वेदांत सम्मेलन में जाते थे, तो एक जो सन्यासी हैं, महिला सन्यासी, वो जब अपना प्रवचन शुरू करती थी तो बोलती थी मेरी प्यारी आत्माओं, और हम सब थे तो छोटी उम्र में, हम लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे कि वेदांत सम्मेलन में आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट ही गलत बोल रही हैं। या तो कहते प्यारे जीवो, समझ लगती है, अब आप कहो मेरी प्यारी आत्माओं, तो आत्मा का प्लूरल तो होता नहीं कुछ, है ना, लड़की लड़कियाँ, लड़के, कई लड़के, बहुसंख्या बड़ी, औरत औरतें, पुरुष पुरुषों। अब ऐसे आत्मा और आत्माओं तो प्लूरल कैसे कर दिया इन्होंने। तो हम बाद में क्या है, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे महात्मा होते थे ना, उनके पास जाके बैठ करके बड़े मज़े लेते थे कि ये क्या बोलती हैं ये, तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि उनको पता था नहीं मैं जान खा जाऊंगी। कहते थे नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, कोई बात नहीं, बड़े हैं उनको कहने दो। फिर कैसे कहने दो, वेदांत सम्मेलन में बैठ करके ये कैसे बोल सकती हैं, चलो हम तो बच्चे हैं, हम नहीं कह सकते। आप तो कह सकते हैं, आप उन्हें एक कोने में ले जा करके जरा टोक दीजिए ना, क्यों वाय ऐसा गलत शब्द का उपयोग कैसे करें। तो बिंब अनेक नहीं है इसलिए एक कहना पड़ा। अगर आपको इतनी बात समझ लग गई तो उसके बाद तो फिर हम यही कहेंगे आत्मा अव्यय है, बांटा नहीं जा सकता। अच्छा, बिंब से जो प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब की क्या कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता है, सिर्फ प्रतीति है और कुछ भी नहीं है। और स्वतंत्र सत्ता किसकी मानेंगे, बिंब की मानेंगे, दैट्स इट, बाकी तो सिर्फ प्रतीति हो रही। तो अनेक जीव हैं और अनेक अंतःकरण है, ये तो मात्र प्रतीति है, यथार्थ तो है ही नहीं है। परंतु जब हम जीव अनेक है समझाएंगे तो फिर कहना पड़ेगा ना बिंब एक है। अच्छा, पर जब हम सिर्फ बिंब की बात करेंगे तब हम कहेंगे वो नित्य है और अव्यय है और बढ़ता नहीं है, और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उसका कोई प्लूरल नहीं होता है। बहुवचन आत्मा पे नहीं लग सकता, बहुवचन आत्मा पे नहीं लग सकता है। शरीर पे लगे, मन पे लगे, बुद्धि पे लगे, अहंकार पे लगे, जीव पे लगे, पर हम आत्मा पे उसका प्लूरल नहीं लगा सकते। आप समझ रहे हो, हम मतलब आयु में उस समय पर शायद 13, 12, 13, 14, मैंने इस टाइम पे हम सुनना शुरू कर दिया था, और वेदांत ही विषय था ना, तो बैठ करके सुनते थे, और एक सिटिंग में लगभग लगभग 7-8 महात्मा बोलते थे, ऐसे ही 7-8 महात्मा शाम की सभा में बोलते थे, और हम पूरा, क्योंकि नया नया ज्ञान उछलता है ना बहुत, तो हम तो ऐसे बैठते थे ना अपनी ज्ञान की तीर तलवारें लेके कि बेटा बोल सही जरा गलत कुछ। और बाद में चूंकि सब लोग उसी आश्रम में रुके हुए होते थे तो फिर पहुंच जाते थे उनके कमरे में सीधे, महाराज कुछ जिज्ञासा है, तो वो बड़े खुश होते थे भी बच्ची आई है, चलो आओ बैठो, या नहीं पता था कि बच्ची तो कुछ लेगी क्लास। अब जो अच्छे महात्मा होते थे, महात्मा सभी अच्छे होते हैं,
ऐसा, सब अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। पर अधिकतर जो स्वामी जी लोग होते थे बड़े खुश होते थे, बड़े प्रसन्न। फिर पूछते, तुम्हारे गुरु कौन है? अरे तुम्हारे गुरु कौन है? अरे किसने तुमको ऐसा सिखाया? अरे तुम कब से सुनते हो? अच्छा तुम्हारी माँ कौन है? अच्छा तुम्हारा बाप कौन है? वो फिर इतना प्रेम का संबंध बन जाता था, क्योंकि अक्सर क्या है, वेदांत का विषय आते ही ना लोग सो जाते हैं या उन्हें समझ नहीं लगती है। पर आयु देख करके और प्रश्न की गहराई देख करके वो बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद फिर देते थे। अध्याय दूसरा श्लोक 23 में आपने आत्मा का स्थूल देह के साथ वर्गीकरण इस प्रकार किया, देह के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे अहंकार, अहंकार के पीछे अविद्या, अविद्या के पीछे आत्मा। प्रश्न एक, चित्त कहाँ गया? अरे जहाँ मन कहा तो चित्त साथ में ही है, पहली बात हम। और दूसरा प्रश्न दो, चित्त की जगह अविद्या कैसे आ गई, क्योंकि सब कुछ अविद्या से ही तो हुआ। और प्रश्न तीन, अविद्या का अर्थ क्या है? अविद्या का अर्थ है ना जानना, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान, अविद्या विद्या का ना होना। मेरा मन क्या है मालूम नहीं, मन कहाँ से उत्पन्न हुआ मालूम नहीं, मन कारण से आया अच्छा तो कारण क्या है मालूम नहीं, अच्छा कारण माया से आ गई, तुमने कहा अच्छा ठीक है आई होगी है, पर सच में मालूम तो नहीं अभी किया ना। तो ये अविद्या माने ना जानना बहुत बड़ा है, और उसी ना जानने से ये मन हुआ है। देखिए जिसकी मम्मी ना जानना है उसका बच्चा सब कुछ जानना चाह रहा है, कैसे जानेगा? अंधेरे का बच्चा है मन और चाह रहा है ज्ञान की रोशनी, देखिए क्या विचित्र माया है, कैसे पाएगा? किस रोशनी से मन में रोशनी हो जाएगी? अच्छा मन में रोशनी हो गई और मन में अंधकार ही न रहा, तो फिर मन जिससे पैदा हुआ था उस अविद्या का नाश हो जाएगा। तो अगर उस अविद्या का ही नाश हो गया तो मन ही ना रहा, तो जब मन ही ना रहा तो फिर ज्ञान किसको करा रहे हो? घुमा दिया ना थोड़ा, अब सोच रहा हमने क्या बोला ये प्रश्न रिचा का, डॉक्टर रिचा फ्रॉम लंदन। आपने प्रथम भाग में बिंब और प्रतिबिंब के माध्यम से ये समझाया, जहाँ बिंब शुद्ध चैतन्य है और प्रतिबिंब मन और बुद्धि में छलकता है। कृपया इस संशय का निवारण करें, क्या बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही इस शरीर के अंदर है या बिंब संपूर्ण भगवत सत्ता का प्रतीक है? ऐसे ही अगर आकाश और घड़े के अंदर भी है और बाहर भी है और सारा कुछ जब आकाश ही है तो घड़ा में बीच में आ करके अपना प्रसंग क्यों चला रहा है? पहली बात, बिंब और प्रतिबिंब की जब मैं बात कहती हूँ तो उसका अभिप्राय है आपको ये बात समझाना, ये समझाना कि प्रतिबिंब क्या है, जीव और जीवन एक है, और ये अनेक जीव किससे हैं? एक बिंब से ही। अब ये बिंब कहाँ है, भीतर है कि बाहर? अरे भाई भीतर बाहर भी तो एक कल्पना है। सच्चिदानंद व्यापक को हम भीतर बाहर नहीं कर सकते। अब क्या बहुत बार लोग सोचते, कई सोचते ईश्वर बाहर है और कोई सोचते ईश्वर हमारे अंदर है, फिर कोई कहता है अणु में इतना महान ईश्वर कैसे आ गया? मन तुम्हारा छोटा सा है और इतना बड़ा भगवान इस मन में कैसे समा गया? सोचने की बात है। आपके मन में है परमात्मा कि परमात्मा में मन है, प्रश्न आता है। तो भीतर कहें बाहर कहें, तो एक्चुअली मन ही कल्पना है, आपको यह समझना होगा। तो फिर भीतर बाहर क्या रह गए? जैसे अभी हम कमरे में हैं तो ये चार दीवारों से हम हो गए भीतर, और बाहर बगीचा हो गया बाहर। पर मान लीजिए कि पूरी दीवार ईंट की ना होकर के कांच की हो जाती, तो फिर भी बाहर भीतर कहते हैं आप? आप कहते हैं हाँ बाहर की हवा बाहर अंदर की अलग है, तो भीतर बाहर हो गया। अच्छा मान लो हम कोई ऐसा एसी यूनिट लगा देते जो आजकल आ रहे हैं कि बाहर की हवा को ही वो फिल्टर करके प्रोसेस करके हमको अंदर देते हैं, तो जैसी हवा बाहर वैसी हवा अंदर, तो भीतर बाहर कहाँ रह गया?
यहाँ हम यूँ ले लें कि इन दीवारों में छोटे छोटे छेद होते तो जो बाहर की खुशबू वो भी अंदर आ जाती, तो भीतर बाहर आप कह सकते थे फिर। और टेक्निकली स्पीकिंग ईंट बहुत सॉलिड लगती है लेकिन होती तो पोरस ही है, पोरस है ये। जैसे कांच से रोशनी अंदर आ जाती है, एसी के यूनिट से हवा अंदर आ जाती है, वो कई बार खुशबू भी अंदर आ जाती है जैसे बदबू अंदर आ जाती है। तो मन सोचिए कि वो कमरा है जिसमें भीतर बाहर एक सिर्फ कल्पना है और इससे अधिक कुछ भी नहीं। पर समझने के लिए हमें बिंब प्रतिबिंब की बात कहनी पड़ती। फिर ये पूछती है कि आकाश वाले और घड़े के उदाहरण में आकाश ही भीतर है, आकाश ही बाहर है, तो ये घड़ा बीच में क्या कर रहा है? भाई घड़े का मतलब जो घड़ा गया, जो बनाया गया, ऐसी प्रतीति होती है। और आपका मन बुद्धि रूपी जो घड़ा है ये भी बना हुआ दिखता है, इसके अंदर मैं लगती है और बाहर सब तू लगता है, और मैं और तू का जो सिलसिला है वो संसार हो जाता है। अब आपको वो मैं और तू का सिलसिला पसंद नहीं आ रहा तो फिर हमें कहना पड़ता है कि चलो ज्ञान सुनो, और जब ज्ञान सुना तो पता चला तू ही मैं है और मैं ही तू है, तब बताओ भीतर बाहर कहाँ रह गया? फिर तो भीतर बाहर खत्म हो गया। तो जिसे भीतर बाहर पसंद आता है वो है संसारी, और जो भीतर बाहर के भ्रम को दूर कर देता है वह एक एक साधक है, एक जिज्ञासु है, एक उन्नत व्यक्ति है। दूसरा पूछा है, अभ्यास तो ग्रंथ का हो रहा है, वार्तालाप कृष्ण और अर्जुन के बीच है, और ये जो हृदय बीच में ठहर रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी है, आपकी व्याख्या और कुछ भी नहीं है, आप पर भी साथ साथ सुनती हूँ और गीता प्रेस की पुस्तक का सहारा भी लिया है पर कुछ फ़ायदा नहीं, आदेश दीजिए कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या जो कर रहे हो वो करते रहो। अच्छा, तीसरा हम लेते हैं, ऋचा ने भेजा है, क्रू में रहती है, लंदन नहीं है। एक वाक्य आता है, ज्ञान मार्ग के साधक को मोक्ष की इच्छा होना आवश्यक है। फिर एक विरोधाभास होता है कि जप और ध्यान में कोई कामना ना हो, समाधि की कामना भी कामना है। ये दोनों बातें बुद्धि के तल पर समझ नहीं आती। देखिए, पहली बात, समाधि का मार्ग अलग है और ज्ञान का मार्ग अलग है। जिसे समाधि लगानी हो, जैसे अभी एक हम किसी की ईमेल देख रहे थे तो उसने लिखा कि मैं आपको सुनती हूँ, बड़ा आनंद आता है, फिर मैंने बैठना शुरू कर दिया, उसमें और ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो अब लगता है कि सुनना ही नहीं चाहिए, बस बैठना ही चाहिए, तो क्या ठीक है ये? भाई सुने हो तो पता चला ध्यान है, जो सुनते ही नहीं तो ध्यान का कैसे पता चलता? तो अब ध्यान में बैठना इतना अच्छा लग रहा है तो सुनना भी चाहिए क्या? अब देखो, ये हो गई ध्यान ज्ञान के मार्ग की बाधा। एक उदाहरण में देती हूँ। एक बार 14 साल की आयु में हमने पहला मौन किया, 21 दिन का मौन। तो मौन किया, स्कूल की छुट्टियाँ थी, मौन हो गए। तो 20वां दिन था शायद, तो हमारे जो विद्या गुरु हैं वो कहीं बाहर गए हुए थे, वो वापिस आए तो हमको मैसेज आ जाता था कि भी आ जाओ, आना है। तो अब मैं गई तो मैं बोलूं नहीं, अब वो मुझे कहे कैसे हो भगवान जी, आप कैसे हो भगवान जी, तो यहाँ बोले कुछ नहीं क्योंकि भगवान जी तो मौन में है। अब हम बोले नहीं, तो मैं लिख के उनको दिया, मैं ठीक हूँ। तो वो कहते हमने तो बोला मौन रखना चाहिए, हमारे ही सामने मौन करेगी, अब छोड़ो मौन को, हमसे बात करो। मैंने सिर्फ एक दिन पहले, जस्ट वन डे बिफोर, उफ, मौन का संकल्प तोड़वाया उन्होंने हमारा, हमने संकल्प तोड़ दिया। और फिर इतने दिन बोले नहीं ना, तो गला चले नहीं, बड़ी मुश्किल से आवाज़ आई। फिर मैंने कहा बोल के, जी मैं ठीक हूँ, इतनी आवाज ही निकली। कहते अब ठीक है, अब मौन में रहो। गुरुज आर बैड, वेरी बैड।
अभी खुद तोड़वाया मेरा मौन, अभी कहते अच्छा अभी मौन में रहो, अभी दूसरों से नहीं बोलना। मेरा मौन क्या, मौन तो खुलवा दिया आपने। अच्छा जब 21 दिन माने एक दिन जो, और 20वां दिन मतलब उस दिन का दिन, और फिर 21वां माने अगला दिन, और फिर जो 22वां दिन था, 22वें दिन में सत्संग के लिए कोई 10-12 स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। मैं जब वहाँ पर पहुँची तो कहते आओ जी आज ना इसका 21 दिन का मौन पूरा हो रहा है। लो हमें क्या, हम तो गए और खूब उन्होंने पीठ थपथपाई, वाह यू हैव डन योर साइलेंस रिट्रीट ऑफ 21 डेज, जस्ट 14 years old यंग गर्ल, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड सोल एंड लॉट ऑफ यू नो एप्रिसिएशन। एंड आई एम वंडरिंग हाउ कम He made me talk a day ago, but after one sentence he said, now be silent, back to silence, no more talking. Okay, fine. तो वो कहते हैं कि गुरु के सामने अपनी साधना नहीं दिखानी चाहिए। तो ध्यान इसलिए है कि गुरु से सीखा है, गुरु से समझा है, मन आपका बिगड़ा हुआ है उसको टिकाने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। पर कई ऐसे भी प्राणी हैं, अब मुझे भी मिले जैसे हम उनको मिले, ऐसे हमको भी कई मिल गए, पर ऐसे निकम्मे वो अपनी साधना करने के लिए हमें ही छोड़ के चले गए। हम तो साधना करेंगे तो हो गई ना समाधि भी बाधक, हो गया ना ध्यान भी बाधक। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग में साधक को सिर्फ मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, ना समाधि की ना संसार की। जैसे एक सज्जन हमें मिले, वो कहते योग में विभूतिपाद में कहा कि योगी को दूर दृष्टि, दूर श्रवण, गायब हो जाना, अनुजितना हो जाना, ये सब सिद्धि हो जाती। मेरे को वो जानना है, क्या करोगे? कहते नहीं सिद्धि तो हो जाएगी ना। अब इस एक सिद्धि के लिए शायद एक जन्म काफी ना पड़े, कितने जन्म लगाने पड़ जाए। अब वो उस एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए वो ब्रह्म विद्या छोड़ के बैठ जाए। तो योग के मार्ग पे चलने वालों को अच्छा, हमारे कई बार महात्मा लोग ये भी बोलते हैं कि पतंजलि योग में विभूतिपाद सिर्फ इसलिए है कि सब सिद्धियां सुनो, ये हो सकती हैं, पर फिर बाद में ये कि ये हमें कभी प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अहंकार बना देगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस को एक मिलने आए, महात्मा कहते चलो हमारे साथ गंगा जी पे, मैं क्यों, नहीं नहीं चलो हमारे साथ गंगा, रामकृष्ण कहते चलो। तो वो गए, जब गंगा जी पे गए तो कहते वो योगी तो गंगा की सतह पर चलने लग गया, चल के पार गया, फिर वापिस आया। जितने लोगों ने देखा वो तो आह, श्री रामकृष्ण परमहंस गांव के थे, सीधे थे, सरल थे, बहुत आर्टिकुलेटेड वाणी नहीं बोलते थे। चार गालियां दी उसको, कहते एक आने का काम किया, एक पैसा दो नाव को पार चले जाओ, तुमने जिंदगी का 30 साल लगा दिए सिर्फ इतने के लिए, और वो भी मुझे दिखाने के लिए ला रहे हो कि आके देखो आके देखो। एक पैसे का काम किया तुमने, क्या सिद्धि करी, क्या सिद्धि करी? अब याद रहे इसमें सिद्धि या सिद्धों का खंडन नहीं है, पर इसमें यह बात कही गई कि ज्ञान मार्ग पे जो आत्मा क्या है जानना चाह रहा है, ब्रह्म क्या है जानना चाह रहा है, मैं कौन हूँ ये समझना चाह रहा है, उसको इन इन सिद्धियों से बचना चाहिए, क्योंकि सिद्धि के आते ही प्रदर्शन आएगा, प्रदर्शन करेगा तो भीड़ आएगी, भीड़ आएगी तो जय जयकार आएगी, जय जयकार आएगी तो अहंकार आएगा, और अहंकार आ गया तो फिर आप में सिद्ध जी महाराज और रावण में क्या फर्क रह जाएगा? रावण भी चतुर्वेदी था, याद रहे, शिव जी का प्रकांड भक्त था, लेकिन अहंकार था। इसलिए ये मैंने कहा कि ज्ञान मार्ग पे चलने वाले साधक को सिर्फ मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए,
जप और ध्यान में और कोई कामना ना हो, और समाधि की कामना भी कामना ही है, इसमें कहाँ गलत हम कह रहे हैं। देखो जब तलक मन बेचैन है तुम्हारा, रजोगुणी है, आलसी है, प्रमादी है, तो गुरु को कहना पड़ता है बेटा ध्यान करो, शरीर को बैठाओ। जैसे आजकल यहाँ आश्रम में हमने अपने सन्यासियों को नियम दे रखा है कि आप लोग 2.5 घंटा अभ्यास रोज करेंगे, दो दो टुकड़े में तोड़ के नहीं, एक ही सेशन में। तो वो 2.5 घंटा बैठ रहे हैं। क्यों ऐसा हमने क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि वो हमारे आश्रम के कामों को करने में, वेबसाइट बनाओ, ऐप बनाओ, ये करो वो करो, बिल्डिंग बनाओ, मेंटेनेंस करो, ये सब कामों में उनके पिछले 7-8 साल इतने लग गए, फाइनली मुझे कहना पड़ा कि बस अब बाहर के कामों को ब्रेक, साधना प्रारंभ करिए। किस लिए? क्योंकि शांत चित में ज्ञान जल्दी जज्ब होगा, समझ आएगी, निश्चय जल्दी होगा, इसलिए आवश्यक है। पर अगर कोई के गुरुजी ने बोला 2.5 घंटे, हम तो 12 घंटे बैठेंगे, तो फिर जिस समय मैं ये बोल रही हूँ या गीता समझा रही हूँ या विचार सागर समझा रही हूँ, वो बैठ करके ध्यान लगा रहा हो, तो फिर वो ध्यान बाधक नहीं हो जाएगा क्या? ध्यान में क्या है, जैसे ऋचा ने भी ये लिखा कि शुरू शुरू में बड़ी मीठी मीठी अनुभूतियाँ होती थी, अब सब थम गया है और पत्थर की शिला चाट रही हो। जब आप शुरू शुरू में ध्यान प्रारंभ करते हैं तब बहुत अच्छे अच्छे अनुभव निश्चित रूप से होते हैं, पर फिर एक समय के बाद वो स्पेक्टेक्युलर एक्सपीरियंसेस ऑफ ध्यान विल जस्ट गो अवे। व्हाट इज लेफ्ट इज जस्ट अ क्वाइट माइंड, एंड देन द साधक वंडर्स, ओह वेयर डिड दैट ब्यूटी वेंट अवे। And then sometimes person feels, why I am not feeling that surge of joy within what I used to feel. तो ध्यान में क्या स्थितियाँ आती हैं चली जाती हैं, अनुभूतियाँ आती हैं चली जाती, उनका एक लक्ष्य है, उनकी एक आवश्यकता है, और एक आवश्यकता के बाद उनसे भी बाहर आना होता है। इसलिए ज्ञान के मार्ग को कई लोग शिला चाटना भी बोलते हैं। शिला चाटोगे तो क्या निकलेगा? ना खट्टा, ना मीठा, ना क्षाय, ना कड़वा, कोई रस है ही नहीं वहाँ पर। तो कैसे? ज्ञान तो है शिला चाटना, और भक्ति है शहद से भरा हुआ मीठो मीठो रस। लेकिन अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होगी, अज्ञान की निवृत्ति भक्ति से नहीं होगी, पर भक्ति की जरूरत है आपके मन को सत्वगुणी बनाने के लिए। तो सत्वगुणी मन बनाना है तो ध्यान भी चाहिए, जप भी चाहिए, परंतु ज्ञान के मार्गी को सिर्फ सद्गुरु का दिया ज्ञान चाहिए, इसलिए श्रवण करना आवश्यक हो जाता है। अष्टावक्र गीता में तो अष्टावक्र भगवान कहते हैं श्रवण मात्रेन, मात्र श्रवण करने से जो उत्तम अधिकारी है उसको आत्मनिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है।